श्रद्धा की इसकी कहानी जितनी पेचीदा है उतने ही अब इसके धीरे धीरे सबूत भी सामने आ रहे हैं। जी हाँ, आफताब के खिलाफ कई सबूत सामने आ चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर आखिर उन बची हुई हड्डियों का मिलान किससे हुआ है इसके बारे में भी खुलासा हो चुका है। आपको बता दें कि श्रद्धा केस में मिले 23 टुकड़ों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुका है। जी हाँ, 23 टुकड़ों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है और ये खुलासा हो चुका है कि आखिर जो बची हुई हड्डियां थीं जिनका मिलान श्रद्धा के पिता से नहीं हो पाया था, आखिर वो हड्डियां किसकी थीं। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा कर दिया है। दरअसल छतरपुर के जंगलों में मिली 23 हड्डियों में से ज्यादातर हड्डी श्रद्धा की ही है। जी हाँ, पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि श्रद्धा की 23 टुकड़ों में से ज्यादातर हड्डियां श्रद्धा की हैं, मगर जो टुकड़ों का मिलान नहीं हो पाया है, जिन टुकड़ों का मिलान श्रद्धा के पिता से नहीं हो पाया है, वो टुकड़े दरअसल श्रद्धा के नहीं बल्कि कई जानवरों के हैं। हालांकि उन कौन से जानवर हैं, वो कौन से जानवर हैं जिनकी अभी हड्डियां पुलिस को मिली है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, मगर श्रद्धा के पूरे केस में जो हड्डियों का मिलान है श्रद्धा के पिता से नहीं हो पाया है, उन हड्डियों का खुलासा हो चुका है और वो हड्डियां जानवरों की बताई जा रही हैं।